हाय फ्रेंड्स, बर्प में आपका स्वागत है। आज हम शाही वेजिटेबल बिरयानी बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। शाही वेजिटेबल बिरयानी बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम बिरयानी राइस लिया है। अब इसमें पानी डालकर कुछ देर तक छोड़ देंगे। ऐसा करने से बिरयानी के चावल और भी लंबे होंगे। इधर हम कढ़ाई गर्म करके एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। आप रिफाइंड या सरसों कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल में हम 10 से 12 पीस काजू, एक कटा हुआ प्याज और एक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। थोड़ी देर हम फ्राई कर लेंगे इसे प्याज के गोल्डन होने तक। आप चाहे तो बिना प्याज और लहसुन के भी यह बिरयानी बना सकते हैं। यहाँ पर आप बस काजू और टमाटर का इस्तेमाल करें। 5 मिनट मैंने इसे फ्राई किया है। अब इसे ठंडा करके हम मिक्सी में पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी भी आप डाल सकते हैं इसमें। अब हम इसी कढ़ाई में 2 चम्मच तेल और डालेंगे। अब हमें सारी सब्जियों को पकाना है। उसके लिए मैंने बीन्स लिया है, इसे बारीकी से काट लिया है, गाजर, बीटरूट और ये आलू को मैंने काटा है और ये मटर। ज़रूरी नहीं कि आप इन सारी सब्जियों का इस्तेमाल करें, आप अपने पसंदीदा सब्जी भी इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। आप अगर लहसुन इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो बस अदरक का पेस्ट डालें। अच्छे से मिला लेंगे। अब हमें इन सब्जियों को तब तक पकाना जब तक आलू ना पक जाए। इसे ढककर पकाने से जल्दी पक जाएगा ये। मैंने कम आंच में इसे 5 से 7 मिनट पकाया है और आप देख सकते हैं ये आलू पक चुका है। अब इसमें हम एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच बिरयानी मसाला पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। बिरयानी मसाला मैंने घर पे बनाया है। अगर आप भी इसे घर पे बनाना चाहते हैं तो रेसिपी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। अब प्याज, टमाटर और काजू का पेस्ट हम इसमें मिला लेंगे। मीडियम आंच पर मसाला पकने तक हम इसे फ्राई करेंगे। मसाला तेल छोड़ने लगे इसका मतलब मसाला पक चुका है। अब इसमें हम पनीर मिलाएंगे। मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है यहाँ, और ये थोड़ा सा स्वीटकॉर्न मैं इसमें डाल रही हूँ। ये फ्रेश स्वीटकॉर्न है, आप चाहे तो फ्रोज़न स्वीटकॉर्न भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस बिरयानी में स्वीटकॉर्न का इस्तेमाल ज़रूर करें, इससे स्वाद दुगना हो जाता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सारे इंग्रेडिएंट्स को। स्वीटकॉर्न को थोड़ी देर हमें पकाना है, लेकिन उससे पहले हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे। मैंने आधा कप यहाँ डाला है। अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए इसे ढककर पका लेंगे। फ्लेम मीडियम टू लो रखना है यहाँ पे। 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं पानी हल्का सूख चुका है। अब इसमें हम धनिया पत्ता और थोड़ा सा पुदीना पत्ता डालकर मिला लेंगे। आप किसी भी बिरयानी में पुदीना पत्ता का इस्तेमाल ज़रूर से करें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये ग्रेवी हमारी रेडी है। अब हमें बिरयानी का चावल पकाना है। उसके लिए मैंने 4 बड़े कप पानी लिए हैं पतीले में। इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। यहाँ मैंने 1.5 चम्मच डाला है। अब मैं थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला इसमें डाल रही हूँ, 2 तेज़पत्ता और थोड़ा सा शहजीरा। इस पानी में हमें नमक मिलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बिरयानी का स्वाद फीका हो जाएगा। पानी में जब उबाल आ जाए तब हम इसमें चावल मिलाएंगे। 30 मिनट के लिए मैंने करीब इस चावल को पानी में भिगो कर छोड़ दिया था। बीच बीच में हमें चावल को चलाते रहना ताकि नीचे से चिपके नहीं। चावल हमें 5 से 6 मिनट तक तेज़ आँच पर पकाना है। पूरा 100% ये पका हुआ नहीं होना चाहिए, ओनली 90% कुक्ड होना चाहिए। चावल हो गया है, अब इसे हम पानी से अलग कर लेंगे। मैं ये छन्नी का इस्तेमाल कर रही हूँ पानी अलग करने के लिए। अब हमें चावल और वेजिटेबल्स की लेयरिंग करनी है। उसके लिए मैंने बिरयानी पॉट में 2 बड़े चम्मच घी लिया है। आप जिस भी बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा बेस थोड़ा मोटा हो ताकि बिरयानी चिपके नहीं। पहले लेयर में हम चावल डालेंगे। चावल को हमें इस तरह फैला देना है, इसे दबाना नहीं है बिल्कुल भी। अब नेक्स्ट लेयर हम वेजिटेबल्स की ग्रेवी डालेंगे। इसे भी हमें बस ऊपर रख देना है, कोई भी प्रेशर नहीं डालना है यहाँ पे। फिर से चावल डाल देंगे। आप जितने लेयर चाहे उतने लेयर बना सकते हैं। आँच भी आपको बिल्कुल कम रखना है, तेज़ आँच में जल सकता है ये। कम आँच में इसे हमें 20 से 25 मिनट पकाना है। आप ध्यान दीजिएगा कि आपका अगर बर्तन बहुत पतला है तो 15 से 20 मिनट ही पकाएं। ये लास्ट लेयर मैं चावल का यहाँ डाल रही हूँ। अब इस चावल के ऊपर मैं घी डालूंगी थोड़ा सा। अब ये खाने वाला गुलाब जल मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ, 1 छोटा चम्मच डाल देंगे। और ये केवड़ा जल भी 1/2 छोटा चम्मच। बिरयानी में अच्छा कलर लाने के लिए मैं ये केसर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे दूध में मैंने फुला कर रखा था थोड़ी देर। अब इसे हम ढक कर 25 मिनट छोड़ देंगे पकने के लिए।
25 मिनट बाद बिरयानी तैयार है। अब इसे हम रायते के साथ गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप भी इस शाही वेजिटेबल बिरयानी को ज़रूर ट्राई करें, ये सबको खूब पसंद आएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।